से मैं बटी केयर लेके जा रहा हूँ इंडोनेशिया बाली, तो पीछे यही गेट था, यहाँ पे इन्होंने पहले एक बार चेक किया। तो हम बोले आप रहना तो भैया आपसे होगा नहीं, तो जितने एयरलाइंस है ना सब पे हम लोग चढ़ेंगे। ये देखो बढ़िया मस्त एयरपोर्ट, ई वीजा ऑन अराइवल पहले ही ले लिया था, 3,34,000 का बिल आया है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आज है day 4 कुआलालंपुर में, बट आज के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है। तो अभी सुबह हो चुकी है, उठ गए, चल के ना थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता है, क्योंकि यार यहाँ ब्रेकफास्ट में ना इंडियन नहीं रहता है, तो जो भी होगा ब्रेड ऑमलेट ये सब थोड़ा बहुत मैं कुछ कुछ खा लूँगा, और चलिए ब्रेकफास्ट करके आते हैं। सुबह सुबह यार इतना मस्त, मतलब मेरे रूम से व्यू आ रहा था ना कुआलालंपुर का, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा था। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस इतना लाइट ब्रेकफास्ट ना मैंने आज तक ट्रैवलिंग में नहीं किया है कभी, बस एक ब्रेड, कैपेचिनो और 2 ग्लास जूस, और ये मैं पूरा खाऊंगा नहीं, ये बस मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं टेस्ट कर लूँगा। तो अभी मस्त ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम में, और 3-4 दिन हो गए यार अभी तक ना इसके स्विमिंग पूल में जाके चिल नहीं किया है, तो आज अभी मेरे पास टाइम है तो चलते हैं अभी यार इसके स्विमिंग पूल में। और इसका स्विमिंग पूल 27th फ्लोर पे है, तो वहाँ से व्यू भी काफ़ी सही आ रहा था, अभी मैं देख के आया, और वहीं चल के अब हम लोग मस्त चिल करेंगे आज ना पूल में। ये देखो ये रहा इनका स्विमिंग पूल 27th फ्लोर पे, बहुत मस्त पूल है, और यहाँ से आपको व्यू भी मिल जाएगा अच्छा खासा, पूरा सिटी का भी व्यू आ रहा है, ट्विन टावर से लेकर सब कुछ। तो अभी मस्त स्विमिंग पूल में चिल कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ एक बार ना रूम में जाके नहा के फ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद रेडी होंगे। ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं, तो 1:30 में आएगा मेरा कैब, तब तक चलते हैं, अब चल के रेडी हो जाते हैं। और इनका स्विमिंग पूल ना बहुत सही था, यहाँ से व्यू भी बहुत सही आ रहा था, बहुत मस्ती की। तो स्विमिंग पूल में चिल करने के बाद मैं आ गया रूम में, फिर रेडी वेडी होके अभी मैं चेकआउट करके बैठा हुआ हूँ लॉबी में, और कैब का वेट कर रहा हूँ, वो 1:30 में आएगा, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा एयरपोर्ट, कुछ 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट जाने में, फिर मेरी 5:30 बजे की फ़्लाइट है यहाँ से बाली की, तो मैं अब मलेशिया से जा रहा हूँ इंडोनेशिया। यहाँ पर यार स्टे ना स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में मेल वेल करने के बाद सब कुछ काफ़ी सही हो गया, तो बहुत अच्छा स्टे था। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी सही है, लोकेशन भी बहुत सही है इसका, और रूम साइज़ भी काफ़ी सही था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टे था। और 3 दिन यार काफ़ी होता है ना मलेशिया के लिए, तो अभी हो गया, अभी एयरपोर्ट में मैं सोच रहा हूँ बैठ के ना एक इटिनरी वाला व्लॉग बना दूंगा कि मलेशिया में कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अगर कोई भी लोग मलेशिया का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी ये ईजी हो जाएगा। फिलहाल यार अभी तो वेट कर रहे हैं, और लॉबी देख लो, यहाँ पर एक्चुअली ना रूम कैटेगरीज बहुत हैं, स्वीट दैन नॉर्मल रूम दैन डोरसेट रूम विद व्यू विदाउट व्यू, रेसिडेंस भी है तो आप लोग ले सकते हो हायर फ्लोर पर, और यहाँ पर आके आप लोग जो भी ड्यूटी इंचार्ज है या फिर स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लोग मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा है, बट अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो मेल कर देना, उसके बाद आपको सारा रिस्पांस मिलेगा। तो बस यही था, फिलहाल मलेशिया पूरा घूम लिया है, तो अब वेट कर रहे हैं, फिर अब यहाँ से निकलते हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर इंडोनेशिया। तो यहाँ से 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट आएगा इस बाली की ना, तो फिलहाल चलेंगे एयरपोर्ट पर, और चल के जो जो भी है वो सारी चीज़ें करेंगे। और चेकआउट के टाइम पर इन्होंने एक चॉकलेट दिया और ये नोट लिख के दिया, ये है मेरा लगेज, और बाहर गाड़ी आ गई है, इसी गाड़ी से जाऊंगा अभी मैं। तो अभी 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, और इसका एयरपोर्ट यार काफ़ी सही है, मैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स में आया हूँ। तो ये देखो पीछे ये जो बोर्ड है ना, इसमें चल रही है सारी फ़्लाइट्स की डिटेल, और अब यहाँ से मैं बटी केयर लेके जा रहा हूँ इंडोनेशिया बाली, बट अभी काफ़ी टाइम है, अभी बस 2 बज रहे हैं, और आने में 1.5 घंटे लग गया, क्योंकि कुआलालंपुर सिटी से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, बट रोड कंडीशन काफ़ी सही है तो इतना कुछ पता नहीं चला, और आज संडे है तो ट्रैफिक भी था हल्का फुल्का, बट फिर भी हम लोग आ गए आई गेस 1.5 घंटे में। और यहाँ पे यार ना अभी थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरलाइंस है और भीड़ भी काफ़ी है एयरपोर्ट पर, और साइज़ तो एयरपोर्ट का यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो अभी चल के पहले देखता हूँ कि कहाँ से हमारा चेक इन वगैरह होगा, तो ये सब कुछ करा के अंदर चले जाएंगे और इमिग्रेशन वगैरह करा के बैठेंगे हम लोग। और भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ना गेट वेट पे कोई चेक नहीं करते हैं, सीधा अंदर आओ, फ्लाइट का यहाँ बोर्ड में देखो पहले कि आपकी फ़्लाइट के लिए कौन से नंबर पे जाना है,
बाकी लिखा हुआ है ABCDEFGH, तो मेरे को जाना है ई काउंटर पे। तो अभी ई काउंटर पे चल के मैं बैग वैग ड्रॉप कर दूंगा पहले, उसके बाद एकदम फ्री फ्री हो जाएगा तब चलेंगे। तो इधर ही है ये देखो पीछे ना, ये रहा यहाँ पे EF काउंटर। तो अभी चलते हैं और चल के पहले बैग ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी मैंने ले लिया अपना बोर्डिंग पास ये देखो, और यहाँ पे तो यार कुछ मतलब पूछा ही नहीं, सिर्फ टिकट देखा एंड पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दे दिया। अब वहाँ से आगे जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए, फिर होगा हमारा इमिग्रेशन। तो अभी चलते हैं आगे, H4 गेट पे जाना है, वहाँ से चल के हम लोग इमिग्रेशन करवाएंगे। तो पीछे यही गेट था, यहाँ पे इन्होंने पहले एक बार चेक किया और उसके बाद अंदर एंट्री हुई है। अब जा रहे हैं एस्केलेटर से नीचे, और नीचे ही बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं ना इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए, फिर वहाँ से भी हम लोगों को अंदर जाना है। यार बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये ना कुआलालंपुर का, कुछ ज़्यादा ही बड़ा एयरपोर्ट है गाइस। तो पीछे इमिग्रेशन का काउंटर था, मैंने इमिग्रेशन भी करा लिया, स्टाम्प लग चुका है, और अब हम लोग चल के ना सिक्योरिटी करवाएंगे और उसके बाद उधर चल के आराम से वेट करेंगे। अभी बहुत टाइम है गाइस फ्लाइट में ना। तो पीछे ना यहाँ पे एक बार पहले इन्होंने नॉर्मल बैग चेक किया कस्टम्स के लिए, और अब आगे में भी सिक्योरिटी करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या। और मेरे को ना यार करेंसी भी एक्सचेंज करानी है चेन्नई एयरपोर्ट पे ना, मैंने सोचा कि मैं करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा लूँगा, बट यार वहाँ पे ना कर ही नहीं रहते, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ कुआलालंपुर का किया। वहाँ पे मैंने उनको बोला बाली के लिए, तो वो बोला कि नहीं बोर्डिंग पास ये वो, इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं भाई। मतलब नॉर्मल 15,000 करेंसी चेंज कराने में क्या ही, पैन कार्ड दीजिए, ये दीजिए, टिकट वो, वीज़ा वीजा इतना। हम बोले आप रहना तो भैया आपसे होगा नहीं, मैं करवा लूँगा ना आराम से मलेशिया में। यहाँ पे तो यार वहाँ पे तो एक ही काउंटर थे, यहाँ तो बहुत सारे हैं करेंसी एक्सचेंज के। तो अभी यहीं पे चल के ना एक बार हम लोग करेंसी एक्सचेंज भी करवा लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ना करेंसी भी चेंज करा ली, और भाई यहाँ पे करेंसी चेंज कराने में ना कोई चांप नहीं है। इवन ना पासपोर्ट देखा ना बोर्डिंग पास, कुछ नहीं, इंडोनेशियन रुपया में मैंने चेंज भी करा लिया। और थाईलैंड की करेंसी थी मेरे पास ना, तो वो अराउंड 3,000 थाई बट थे, उसको मैंने डायरेक्ट चेंज कराया, तो 8,50,000 रुपया मिला। मतलब बहुत ज़्यादा रुपया मिल गया भाई, इंडोनेशियन की करेंसी ना थोड़ी ये है, मतलब लाख लाख रुपए का नोट दे देते हैं वो लोग, तो काफ़ी सही है, बहुत स्मूथ था। तो अभी मैंने करेंसी भी एक्सचेंज करा ली, अब जो बच गया ना वो डायरेक्ट ATM से निकालेंगे। तो अभी रिंगेट, जो रिंगेट भी मेरे पास बच गया था ना, उसको भी देखे मैंने रुपया ले लिया, तो अब वहाँ जाके रुपये पर खर्चा करेंगे, फिर देखते हैं अगर कम पड़ गए तो निकाल लेंगे भाई, नहीं तो हर जगह होता है ना करेंसी एक्सचेंज का, इतना कुछ नहीं है। और बाकी मेरे पास कार्ड्स तो हैं ही, तो कार्ड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो भाई पीछे ये देखो, यहाँ पे ना इतना मस्त इन्होंने ये लगा के रखा, मतलब हर एयरलाइन की फ़्लाइट बनाई हुई है। तो यार एक ड्रीम है कि हम लोग ना ये जितने भी एयरलाइंस देख रहे हो इसमें से अभी तक एक दो पे तो मैं चढ़ चुका हूँ, बट बाकी किसी किसी पे नहीं चढ़ाऊँ। तो इन सब पे अभी तो ज़िंदगी लंबी चलेगी, तो जितने एयरलाइंस हैं ना सब पे हम लोग चढ़ेंगे। एक मैंने वीडियो ले लिया है, अब जब फ्लाइट्स बोर्ड करूँगा तो देखते हैं कितने पे चढ़ पाते हैं हम लोग। और फिलहाल ना मुझे लगी है भूख, तो मैं ना खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा हूँ, बट यार यहाँ पे खाने के लिए बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं। एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है वो होती है दारू, और यार दारू थोड़ी ना पियेंगे, दारू नहीं पीते हैं तो। बट यहाँ पे देख रहे हो ड्यूटी फ्री में ना सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट पर चीज़ मिलती है वो दारू मिलती है गाइस। खाने का यार अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो देखते हैं अगर कुछ मेरे मन लायक मिला तो फिर खाने का भी ले लूँगा, क्योंकि ना भूख लगी है मेरे को। सो गाइस एयरपोर्ट पर ना बहुत कुछ खोजने की कोशिश की, बट कुछ यार मेरे मन लायक खाने का मिल नहीं रहा। मोर ओवर KFC वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, और कोई भी ऐसे ना वो आउटलेट नहीं है प्रीमियम आउटलेट, तो इसलिए कुछ खा नहीं पाएंगे, बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। और यार इस बार क्या हुआ ना, मेरा प्रायोरिटी पास मैं घर पर भूल गया जल्दी जल्दी के चक्कर में, वरना आराम से जाकर ना लॉन्च में ही कुछ खा लेता, बट प्रायोरिटी पास है नहीं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। लेके आना चाहिए था यार, मैं कैरी करना भूल गया ना इस बार। चलिए कोई नहीं, देखते हैं यार जूस वूस ले लेंगे, फिर उसी से काम चलाना पड़ेगा अभी ना फिलहाल के लिए। तो गाइस अभी ना एक्चुअली मेरे वॉलेट में यार प्रायोरिटी पास था, मैंने देखा नहीं, जब चेक किया तो मेरे को मिल गया, तो इस वजह से मैं आ गया डायरेक्ट लॉन्च में, और यहीं पर आ गए मस्त खाना पीना खा लिया। यहाँ पर ना सारी चीज़ें अवेलेबल थी, देखो पूरा बुफे लगा हुआ रहता है तो काफ़ी ईजी हो जाता है ना, तो यहीं पर मैंने खाना वाना खा लिया मस्त एकदम, और ये काफ़ी अच्छा भी है। तो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि 4:30 हो रहे हैं, अब ज़्यादा टाइम है नहीं, गेट तक जाने में 5 बज जाएंगे, 5:15 की मेरी बोर्डिंग है, तो काफ़ी खाली है अब, थोड़ा ना ठीक लग रहा है। ये देखो बढ़िया मस्त एयरपोर्ट, और ये रही बटिकेयर की मेरी फ़्लाइट, तो अभी चल के ना फ्लाइट बोर्ड करते हैं। सो अभी मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया, और ये देखो बटिकेयर की फ़्लाइट है, और फुल नहीं है, और मेरे साइड वाले सीट पर भी कोई नहीं है, तो
उधर भी कोई नहीं है, तो काफ़ी खाली खाली जा रही है ना ये फ़्लाइट। तो ये मैंने ई वीज़ा ऑन अराइवल पहले ही ले लिया था, तो इस वजह से डायरेक्ट आप यहाँ आके लाइन में लग सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। ऐसे पहले वहाँ से आपको फॉर्म लेके फिर पेमेंट करके फिर आगे लगना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। और ऐसे आप लोग डायरेक्ट आओ, पहले से ही वीज़ा ले लो, सीधा आके लाइन में लग जाओ इमिग्रेशन वाली ना। सो कुआलालंपुर से 3 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं पहुँच चुका हूँ वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप लीडिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन बाली, जो कि है इंडोनेशिया में। और यहाँ आके मैंने ई वीज़ा ऑन अराइवल लिया हुआ था पहले से ही, तो मेरे को क्यू में नहीं लगना पड़ा, डायरेक्ट 5 मिनट में इमिग्रेशन करा के मैं आ गया हूँ बैगेज क्लेम में। अभी बज रहे हैं रात के 9, मैं बैग लूँगा, बस एक बार बैग आने का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अनाउंस नहीं करते हैं कि बैग आपको कहाँ मिलेगा, टीवी लगा हुआ है उसी में शो होता है। तो एक बार अभी मैं बैग लूँगा, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट चलेंगे अपने होटल। ड्राइवर ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा है। अभी मैं ना कैब का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वो गया हुआ है गाड़ी लाने के लिए मेरा ड्राइवर। और भाई यहाँ पे आके ना बिल्कुल ना मुंबई जैसा फील हो रहा है। मुंबई में ना ऐसे ही पार्किंग्स बने होते हैं 2-3 फ्लोर के, फिर गर्मी में खड़े रहो। तो अभी बाली पहुंच के मैंने चेक इन कर लिया है अपने होटल में, और मैं रुका हुआ हूँ बिंटेंग बाली रिसोर्ट कूटा में। और यार ये ना इतना पास था, लग रहा था बगल में ही एयरपोर्ट है, सीधा यहीं पे आ गए। अभी चेक इन कर लिया है, रात के अब बज गए हैं 10, और होटल में इन्होंने बोला कि इंडियन फूड नहीं अवेलेबल होगा, बट यार इसके बाहर ना बहुत मस्त एरिया है, बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर चलता हूँ बाहर, और चल के ना मस्त खाना खा के आते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई है। 3 घंटे की फ्लाइट थी, और यहाँ आने के बाद यार ना एयरपोर्ट से आने में थोड़ा ट्रैफिक था बस एयरपोर्ट के पास, बाकी पूरा यार बाली तो अब मतलब यहाँ पे मैं फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 days के लिए हूँ, तो 6-7 दिन मस्त बाली घूमेंगे। फिलहाल चलते हैं और चल के कुछ खाते पीते हैं। डिनर आ गया, रोटी, पनीर लबाबदार, पुलाव, कैलाश पर्वत में बैठ के ना मैं खाना खा रहा हूँ मस्त। बिल देखो, 1 पनीर लबाबदार वेज पुलाव, 3 तंदूरी रोटी, 3,34,000 का बिल आया है। तो अभी मैंने डिनर कर लिया है, और डिनर करने के लिए ना मैं कैलाश पर्वत, ये रेस्टोरेंट था यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट प्योर वेज, इसी में आया था। और भाई ये लोग ना फ्री का पानी भी नहीं पिलाते हैं, मिनरल वाटर भी, मतलब नॉर्मल पानी तो है ही नहीं, मिनरल वाटर लीजिए डायरेक्ट, वो भी भाई इतना महंगा। और अभी तक तो गाइस मेरे को बाली कहीं से भी चीप उप नहीं ही लग रहा है भाई चीप, क्योंकि यहाँ पर ना अभी मेरा डिनर किया, मैंने डिनर किया, बिल आया है 3,34,000 का, इट्स अराउंड 1,800। और खाया कुछ नहीं था गाइस, एक पनीर की सब्जी, पुलाव, 3 रोटी बस, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है। तो एक बार ना, और पता नहीं यार कैसे सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ आने के बाद बाली सस्ता है, 200 में मिल जाएगा। भाई कोटा में हूँ ऑलरेडी, ये तो सबसे सस्ता एरिया, यहाँ ही सस्ता नहीं मिल रहा है। कल से मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि गाइस रियलिटी क्या है बाली की ना। अभी फ़िलहाल डिनर कर लिया है, तो मैं जा रहा हूँ अपने होटल, और होटल में चल के अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी ट्रैवलिंग भी हो गई है, तो थक भी गया हूँ। कल यार मेरा ना डे टूर है, तो इसलिए अभी चल के मस्त हम लोग रेस्ट करते हैं। सो अभी मस्त रूम में आके मैंने चेंज वगैरह कर लिया, और अब गाइस ना मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि कल सुबह यार 8:30 में ही आएगा वो पिकअप करने मेरा सिटी टूर के लिए, तो इस वजह से। और बाली आके अभी आज तो कुछ नहीं किया, क्योंकि लेट ही आए थे ना, 9 बजे तो मैं पहुँचा, 10:30 तो होटल पहुँचने में लग गया। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग में इतना ही। कुआलालंपुर से गाइस बाली आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस बाली अगर आ रहे हो तो ई वीज़ा पहले ले लो, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, वरना वीज़ा ऑन अराइवल भी हो जाता है, इतना कुछ इशू नहीं है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो जो करना है कर दो गाइस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू।